जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आपके घर में फ्रिज तो होगा ही और उसमें फ्रीजर भी लगा होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि फ्रीजर हमेशा ऊपर ही क्यों होता है? हाँ जी हाँ, ये फ्रिज के अंदर वाला ये फ्रीजर। और क्या आप जानते हो रातों में जानवरों की आंखें क्यों चमकते हैं, जुगनू क्यों जलते हैं? इन सारे सवालों के जवाब को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। आज हम आपके लिए ऐसे मजेदार और अनजाने फैक्ट लेकर आए हैं जिसे आप सुने देखे नहीं होंगे। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों आपने पिछले वीडियो में देखा कि चांद पर लगे दाग कहां से और कैसे आए, तो ऐसा ही आपके मन में कभी सवाल जरूर आया होगा कि चांद का आकार रोजाना घटता और बढ़ता क्यों रहता है। दरअसल बात ऐसी है, चंद्रमा पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा करता है और साथ ही अपनी दूरी में भी घूमता रहता है, जिसकी वजह से चांद का एक हिस्सा हमेशा धरती के सामने रहता है। चूंकि चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वह हमेशा सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान होता है। पृथ्वी के चक्कर लगाते समय चंद्रमा का जो भाग सूर्य के सामने होता है, चंद्रमा का वही भाग चमकता हुआ दिखाई देता है और बाकी भाग में अंधेरा होता है। यही कारण है कि चंद्रमा का आकार घटता और बढ़ता रहता है। फैक्ट नंबर दो, दोस्तों नीम के कड़वेपन को तो आप सभी जानते ही होंगे। क्या आपको पता है हमेशा हमेशा हरे भरे रहने वाला नीम कड़वा क्यों होता है? नीम के कड़वाहट के तत्व को वैज्ञानिकों ने तीन नाम निबनिन, निबडिन और निबनिनिन दिए हैं। सबसे पहले 1942 में भारतीय वैज्ञानिक सलीम मुजम्मा सिद्दीकी ने यह काम किया। यह कड़वा तत्व एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल होता है और कई तरह के जहरों को ठीक करने में काम आता है। फैक्ट नंबर तीन, रात के समय में आपने जुगनू को टिमटिमाते तो देखा ही होगा, कितने सुंदर दिखाई देते हैं। जुगनू क्यों चमकते हैं? क्या जुगनू के पूंछ में आग लगी होती है या जुगनू के पीछे लाइट लगी होती है? तो साइंटिफिक बात ऐसी है कि जुगनू अपने भोजन की तलाश में या फिर अपने साथियों को आकर्षित करने के लिए चमकते हैं। जुगनू के शरीर के पीछे के हिस्से में रोशनी जलती है। यह लाइट जुगनू के शरीर में होने वाली केमिकल रिएक्शन के कारण जलती है। इस क्रिया में ल्यूसीफेरेस और ल्यूसीफेरिन नाम के प्रोटीन का निर्माण होता है। जब यह प्रोटीन ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो रोशनी पैदा करते हैं। जुगनू के साथ ऐसे भी कुछ जीव हैं जिनमें रोशनी पैदा करने के गुण होते हैं, लेकिन जुगनू ही एक ऐसा जीव है जो हमारे वातावरण में आसपास पाया जाता है और अन्य जीव मौजूद न होने के कारण इतने पॉपुलर नहीं है जितना कि जुगनू है। फैक्ट नंबर चार, एयर कंडीशनर से पानी क्यों निकलता है? इस क्रिया को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी गिलास में ठंडा पानी भर कर रख देते हैं तो गिलास के ऊपर पानी की बूंदे जम जाती है और कुछ समय के बाद यह बूंदे पानी के रूप में गिलास के नीचे इकट्ठे हो जाती है। ऐसे ही जब एसी चलती है तो उसमें उत्पन्न गैस उसमें लगे पाइप से गुजरती है और उन पाइपों के ऊपर पानी की बूंद जमा हो जाती है। यही बूंदे बाहर के गर्म वातावरण के संपर्क में आकर पानी का रूप ले लेती है और पानी एसी से बाहर निकलता है। फैक्ट नंबर पाँच, सांप अपनी जीभ बाहर क्यों निकालते हैं? आपने सांप को टीवी या आम लाइफ में देखा ही होगा। आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि सांप अपनी जीभ को बार बार बाहर निकालते हैं, तो ऐसा क्यों? दरअसल सांप की कई प्रजातियां बहुत ही खतरनाक होती है। ऐसा माना जाता है कि सांप या उसकी प्रजाति के अन्य जीव अपनी जीभ की सहायता से सूंघते हैं और अपने आसपास के माहौल का पता लगाते हैं, इसी कारण ही सांप बार बार अपनी जीभ बाहर निकालती है। फैक्ट नंबर छह, दोस्तों आपके घर बिल्ली या कोई पेट तो होगा ही, गाय भैंस आपने तो देखा ही होगा, लेकिन रात के समय में इनकी आंखें क्यों चमकती है? हमारी आंखें क्यों नहीं चमकती? दोस्तों जानवरों की आंखों में एक विशेष परत होती है और इंसानों के आंखों में नहीं होती। ये परत आंखों पर पड़ने वाली प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है जिससे जानवरों की आंखें चमकने लगती है। इनकी चमकीली आंखों का बड़ा फायदा ये है कि रात के समय में जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो अंधेरा होने के कारण ये खतरनाक जंगली जानवर हमें दिखाई नहीं पड़ते, और जब इन पर रोशनी पड़ती है तो इन आंखें चमकने लगती है और हम इन खतरनाक जानवरों से अपने आप को बचा सकते हैं। फैक्ट नंबर सात, चिकित्सा के क्षेत्र में लाल प्लस के निशान का प्रयोग क्यों किया जाता है? जिस प्लस के निशान का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है वह रेड क्रॉस का संकेत है, जो चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में एक शैक्षिक संगठन है। रेड क्रॉस की मूल अंतरराष्ट्रीय समिति 1963 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेनरी डुनेट और गुस्तावा मोनियर द्वारा स्थापित की गई थी। यह संकेत हमेशा अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिक, एम्बुलेंस इत्यादि में पाया जाता है। चिकित्सा क्षेत्र में जुड़े सभी व्यक्ति इस संकेत का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि आपातकाल में इन्हें आसानी से पहचाना जा सके। फैक्ट नंबर आठ, फ्रिज में फ्रीजर ऊपर ही क्यों होता है? दरअसल फ्रिज के नीचे की हवा गर्म होने के कारण ऊपर की ओर आती है और फ्रीजर से टकराकर ठंडी होकर नीचे आती है। फ्रीजर का तापमान नीचे के हिस्से से कम होता है तो उसमें से निकलने वाली ठंडी हवा भी नीचे की ओर आती है और उसमें रखी वस्तुओं को ठंड कर देती है। यदि फ्रीजर को ऊपर न लगाया जाए तो फ्रिज में रखी वस्तुओं ठंडी होने में बहुत समय लगेगी। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आराम से मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अब इसकी अगली वीडियो में। धन्यवाद।